हेलो हाय नमस्कार पहला गो प्रणाम, आप सभी का स्वागत है एक नए दिन के साथ फिर से एक नए ब्लॉग में। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी, कहाँ से हो रही है बताओ, लोकेशन चेक करो गाइज, इसके घर से हो रही है बबली उत्तराखंडी के घर से। फिलहाल मेरी तैयारी हो चुकी है घर जमाई बनने की और मैं जा रहा हूँ अभी शॉपिंग करने के लिए। और ये जो स्टॉल उड़ा हुआ है ना, मैंने जो बहुत ही शानदार और बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, ये इसलिए लग रहा होगा ना आपको इतना सुंदर इतना अच्छा, क्योंकि ये स्टॉल है पवन पहाड़ी भैया की अमा का। जो पवन पहाड़ी है ना, ब्लॉग देखते होगे आप, उनकी कॉमेडी देखते होगे, उनकी अमा का शॉल है ये। तो ये शॉल नया है बिल्कुल, अभी इसने निकाला हुआ था तो मैंने कहा मेरे को दे दे ये बोला नहीं तो ये तो अमा का शॉल है नहीं दे सकती। मैंने कहा एक बार ट्राई करता हूँ, और शॉल भी अच्छा लगता है वैसे लड़कों में इस तरीके से पहन के। नेपाली आते हैं ना जो, उनसे लिया था मैं, पर वीडियो में किसी में चीज में नहीं दिखा रही हूँ इधर जब क्या कहते हैं वीडियो में मैं नहीं दिखा रही थी, मैंने इसको दिखा रही थी विनीता को कि मैंने मम्मी के लिए भी कुछ बनाया है, और वीडियो में नहीं बता रही थी मैं, पर अब मेरे को बताना पड़ रहा है। मैं मम्मी के लिए भी कुछ बनाया है और अम्मा के लिए मैंने सोचा कुछ दे देती हूँ, क्योंकि उस समय मैं डायरेक्ट नहीं गई थी, पिथौरागढ़ से घूमते हुए गई थी। तो ये मैंने नेपालियों से लिया था, और ये इसमें अर्जी इतना है ना, आजकल के शॉलों में इतना नहीं आता है, इसमें अर्जी बहुत है और अम्मा के लिए स्पेशली है ये। और वीडियो में बोल के यार फिर वो दिया हुआ तो अमा का प्यार और आशीर्वाद मिल जाएगा ये शॉल पहन के। अब मैं इसको ये शॉल दे देता हूँ ताकि ये गंदा ना हो। अमा माफ कर, आशीर्वाद दिया ठीक छ। अमा तक ये वीडियो पहुंचाओ, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और तो अब चलते हैं यार शॉपिंग वोपिंग करते हैं, थोड़ा सा कपड़े वपड़े लेते हैं, क्योंकि मुझे बनना है अब घर जमाई बनने की तैयारी तुम्हारे भाई ने शुरू कर दी है। जो भी होगा जैसा भी होगा देखा जाएगा, तुम लोग मेरे साथ हो तो सब कुछ संभव है, सपोर्ट करना और कोई मुझे से, थोड़ा इज्जत। अरे 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 अमा अमा का सवाल अच्छे भली के चौफलिया दे, भली के चौफलिया दे। तो गाइस चलते हैं निकलते हैं, अब जाते हैं सीधे हम लोग खटीमा की ओर, वहां से थोड़ा सा शॉपिंग करता हूँ, कपड़े भर भर के ले जाता हूँ जितना अपने पूरे, अब तो वहीं रहना है ना मुझे, ससुराल में रहना है तो सारे कपड़े वपड़े पैक करके यहाँ से चलते हैं। अनाज वनाज तो कुछ नहीं ले आ रहे, खिला देंगे तो ठीक है, घर जमाई हुआ यार, घर जमाई के लिए तो फिर पता ही है ना तुम्हें। तो चलते हैं फिर है, आज कैसा लग रहा हूँ डामर जैसे लघु मिर्ची में, एक मिनट आज नहीं लग रहा हूँ डामर जैसा, कमेंट करना फिर डामर जैसा लग रहा हूँ तो करना, नहीं लग रहा हूँ तो जैसा लग रहा हूँ वैसा कमेंट करना। मिलते हैं फिर सीधे, कहाँ मिलते हैं देखते हैं, कहीं मिलते हैं यार। तो गाइस आज की गाड़ी हमारी ये है, इसमें हम जाने वाले हैं इस गाड़ी में बैठ के, और ये कोई जा रहा है, कौन हुआ यार ये, पंकज और क्या हाल है, कहाँ जा रहे हो, ये पंकज भैया हमारे, पहचान नहीं रह गया, क्यों नहीं पहचानूंगा यार, कैसी बात कर दी, मैं इसलिए नहीं पहचानता था ना इसको, इसने वो पहन रखा मफलर वफलर। तो यार भाई मिला था उससे थोड़ी देर बात बात करी, अब ये गाड़ी चलाने लग गया यार, मैं इनसे बड़ा परेशान, क्यों चला रहे हो गाड़ी मेरी, गाड़ी तो चलाने के लिए ही है ना, तो मेरी गाड़ी है ना, जब तुम लोगे जब बड़े हो जाओगे तब ले तब चलाना अपनी गाड़ी, तब देखेंगे चलाना, अभी तो दे दो। चलो फिर चलो फिर चले निकलते गाइस, लो पढ़ाई नहीं आती बैंक ठीक ही नहीं मार पा रहा, देख लो यार हरकतें देख लो, मैं तो पूरा वीडियो डाल दूंगा ये तो पता ही है। हाँ हाँ यार चला नहीं पा रहा, फिर कहता है ये चलाता हूँ करके। तो गाइस निकल पड़े हैं हम, और इसने हेलमेट ही पहना है, इसको थोड़ा सा टोक देना, कमेंट कर देना इसके लिए, हेलमेट क्यों नहीं पहनता भैया, हेलमेट क्यों नहीं पहनता, कमेंट करना इसको, मेरा भी कहना नहीं मानता। और मैं अपना हेलमेट तो लाया नहीं था इसलिए मैं नहीं पहन रहा हूँ, इनके घर में है हेलमेट बट मैं अपना नहीं लाया था, क्या करूँगा यहाँ से मैं कल पिथौरागढ़ को निकल रहे हैं, तो इसलिए हेलमेट घर ही रख के आया हूँ। अभी तो मौका मिला चलाने का गाड़ी, अभी मिला मौका, मतलब हेलमेट आप गोप्रो में लगाए रहते हो। हाँ ये बात भी सही कह रहा है, आप कल से यही लोग चलाएंगे गाड़ी, फिर ये वाला साइलेंसर भी तोड़ देंगे, वो पहले वाला साइलेंसर जब मैं इनके घर गाड़ी रख के गया था ना इसी ने तोड़ा है ये साइलेंसर, मैंने तोड़ा वो चलते चलते टूट गया। चलो 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 निकलते हैं गाइस, बुबू हमारे यहाँ पर खड़े हैं एंड ये इनकी यहाँ की मार्केट।
यहाँ से चक्करपुर मिलता है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो ये बाईपास है ना गाइज, ये गांव से होते हुए जाता है, और जो भी बाईपास वाले मेन रोड में भी चल रहा है वो भी थोड़ा सा स्लो चलना, जो लोग गांव के रोड से जाता है ना वो लोग भी थोड़ा सा स्लो चलना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रोज आना के कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है यहाँ पर दिक्कत। तो क्योंकि गाँव वालों के लिए नया बनाया चालू भी था, और जो हाईवे में चलता है वो तो स्पीड में चलता ही है, और गाँव वालों के लिए ये वाला रोड है ना जो ये नॉर्मल सा रोड है, तो पहले आदत नहीं थी गांव वालों को, बट दोनों को एक दूसरे को और देख लेना चाहिए, इधर उधर दाएं बाएं देख के फिर चलना चाहिए रोड में। तो यार कपड़े वपड़े ले लिए वहाँ पे, वीडियो बनाना भूल गया मैं, ये देखो ये हैं मेरे कपड़े, और यहाँ पे टिक्की उक्की लेने के लिए आए थे, लेकिन टिक्की वाले भाई साहब दिख नहीं रहे, तो चलते हैं अब हम यहाँ पे से, आ जाएंगे तो ठीक है खा लेंगे। इतनी लाइट के बाद में इतना ज़्यादा काला आ रहा हूँ, मैं परेशान हो गया यार, इनके घर ही ऐसा है, इनके घर में ही इतना ज़्यादा काला आता हूँ मैं। तो फाइनली गाइस घर पहुँच गया हूँ मैं, और मैं अपने लिए शॉपिंग करके लेके आया हूँ, कहाँ गया मेरा, इसमें एक लोवर लाया और एक स्वेटर लाया हूँ ये है, और इस बार मैंने बहुत सालों बाद, कम से कम 3-4 साल बाद ये ब्लैक कलर को छोड़ के कुछ दूसरा कलर दिया है। बहुत ज़्यादा हो गया था यार, डामर 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 कोलतार कोलतार कोलतार, तो आप लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब डामर वाली रोड में थोड़ा सा लाल पट्टी लगाई जाएगी। हाँ डामर वाली रोड में लाल पट्टी लगाने का पूरा इंतजाम कर दिया तुम्हारे भाई ने, अब से मैं ब्लैक कलर लूंगा ही नहीं, सब लोगों ने परेशान कर दिया चिड़ा चिड़ा के मुझे। जब तुझे ये लगेगा ना कि ये थोड़ा पुराना हो रहा है, इसमें रूम उठ गए हैं, तो प्लीज मुझे देना है, इसमें रूम अवेलेबल है भाई। अरे विनीता ये कलर मेरा फेवरेट भी है, और ये मुझे फिट भी होगा, और है घर में रोज काले काले कपड़े, रोज अभी भी लोवर आया वो काला है। हाँ ये काला लोवर लेके आऊं गाइस, 6-7 काले पैंट है, 6-7 काले पैंट और 6-7 ये काला है, इसके अंदर वाला भी काला है, देखो दो पहने मैंने, दोनों काले हैं, तो मैं ब्लैक ही हो गया था, तब मैंने कहा यार कुछ चेंज करा जाए, नए तरीके का कुछ कपड़ा पहना जाए, इसीलिए मैं दूसरे कपड़े लाया हूँ। अब फटाफट जाते हैं हम अंदर, जाके खाने वाने की तैयारी करता हूँ मैं बनाने की, इनके घर में मेहमान आने वाले हैं अभी, दो मेहमान, क्या कह रही है? मैं कह रही हूँ थोड़ा सा कैमरा दूर करो, मैं कह रही हूँ कि बब्बी दी से हुड है आपके, कई पुराने पुराने ने, पुराने पुराने नहीं नहीं पुराने दे रही है, पुराने का नाम मत ले, मैं खुद ही बोल रही हूँ कि मुझे थोड़ा पहले पहले कपड़े नहीं नए है, वो पुराने भी नहीं है, नए पहनोगे तो कहोगे क्यों फेंक रखे होंगे इन्होंने, पहनते ही नहीं है, एक बार चले वहीं को, एक ही फसल पहनते हैं, दोबारा दूसरी फसल, एक बार कपड़े लेने जाते हैं खाना बनाएगा। तो यार गाइस ये लोग तो ऐसे बोलते रहेंगे, मैं कपड़े बहुत कम लेता हूँ, लेता भी हूँ तो ब्लैक ही लेता हूँ, तो पता ही नहीं चलता कि मेरे पास कपड़े हैं भी नहीं है करके, आज के बाद नहीं लूंगा यार अच्छे अच्छे कपड़े लूंगा, मतलब अच्छे बोले तो कलरफुल लूंगा, ब्लैक नहीं लूंगा। तो यहाँ पे दीपू खेल रहा है अभी गेम, कौन सा गेम खेल रहा है दीपू? खत्म गेम खेल ले, खत्म गेम खेल रहा है ये, और बाकी हमारा खाना होना बन गया रात का, और इस वाले ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, कल को हम मिलेंगे सीधा पहाड़, कमेंट करो ना यार ये थोड़ा यार। और जल्दी आप और गाइस जल्दी हम और जगह भी जाने वाले हैं, जैसे बागेश्वर, अल्मोड़ा, बेरीनाग, फिलहाल तो कुमाऊं वाले क्षेत्र में, बाकी फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ जाते हैं। तो इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, प्यार देना यार, थोड़ा सा सपोर्ट करना डामर उमर को, सपोर्ट कर देना अपने भाई को, सपोर्ट करना रोड में, इतना गाड़ी से दबाते रहते हो ना डामर को, तो सपोर्ट कर देना।